हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हो रहा है सुबह के 6 और हमारा जो जम्पे हिल जो राइड करके आए तो उसके बाद हमारा बाइक का जो फर्स्ट सर्विस है ना उसका टाइम हो चुका है। और बाइक का कंडीशन मैं दिखाऊंगा अभी नीचे उतर के। तो फिलहाल पहले तो ऐसे आप ए लगा लो, ऐसे घूम के मतलब 250 तो किलोमीटर राइड कर लिया तो और जम्पोई मिला के कुल मिला के अभी बाइक पे हो रखा है 690 ऐसे ही लगभग आप मान के चलो। और अभी जा रहे हैं हीरो का सर्विस सेंटर पे, उसका फास्ट सर्विस होने वाला है। सुबह सुबह निकल गए क्योंकि हमें पकड़ना है फर्स्ट सीरियल, एक नंबर पे अपना बाइक को सर्विसिंग करना पड़ेगा तो इसलिए जल्दी निकल गए। और रोड देख सकते हो, रोड अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है और रास्ते पे जो लाइट है भाई तिरंगा सुपर सुपर बहुत बढ़िया लग रहा है। और हमारे घर से हीरो का जो सर्विस सेंटर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, आप ये लगा लो चार किलोमीटर के अंदर पड़ जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम जो सर्विस सेंटर पे जिसके बारे में बोल रहा था मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ मेरा नंबर पे एक नंबर ही रहेगा सीरियल। तो फ़िलहाल बाइक को पार्किंग करके बाद आपको दिखाते हैं बाइक का। तो गाइस आप देख सकते हो बाइक का कंडीशन देखो, कीचड़ मतलब विंडशील्ड पे आ रखा है और पहले जब लिया था इतना बुरा कंडीशन नहीं था। जम्पे हिल पे जो राइड करके आया तो उसी बीच हमारा जो नीचे का सेक्शन है ना वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, जहाँ भी देखो भाई कीचड़ ही कीचड़ है। तो सर्विस के टाइम पे हमें सिर्फ ये जो रेडिएटर है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इस पर कुछ छेड़छाड़ हो गया तो इसके अंदर पानी चल जा सकते हैं। तो उन लोगों को आने दो फिर दिक्कत है आपको। तो गाइस देख सकते हो अभी बजे है 7 और शायद हम ज़्यादा ही जल्दी आ गए तो क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे 9 बजने तक, फिर देखते हैं जॉब कार्ड बनेगा और वॉशिंग होगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो लोग तो अभी आया नहीं। तो गाइस अभी मेरा तो पहला नंबर है तो अभी जॉब कार्ड बनाएंगे, वो तो अंदर ब्लॉक करना मना है तो ब्लॉक नहीं करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल जॉब कार्ड बनाए और इधर बैठे हैं। गाइस हमारी एक्सपल्स वॉशिंग हुआ अभी और चुप चुप के ब्लॉक बना रहा हूँ जो दिक्कत हो सकता है। और रेडिएटर का कवर करने के लिए घर से लाया, इसको बांध देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स सर्विस होने के बाद भैया अभी बाइक को ट्रायल दे रहे हैं तो उसके बाद पॉलिशिंग होगा और फिर होगा मतलब हमारा बिल। तो फ्रेंड्स हमने तो बाइक को पूरा सर्विस कर लिया तो हमारा खर्च लगा 1545 और जो हीरो सर्विस सेंटर वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बाइक को सर्विसिंग किया है। मैं अपने खुद के अपने आंखों से देखा है तो मैं सामने रखे सब कुछ किया है और वहाँ पे तो ब्लॉक करना अलाउ नहीं है तो इसीलिए कुछ आप लोगों को नहीं दिखा पाया। और मतलब बाइक को सर्विस करने के बाद इंजन में थोड़ा रिफाइन और बढ़ गया पहले से। और ऑफ रोडिंग तो एक्सपल के लिए जब ऑफ रोडिंग देखते हैं ना ये बाइक, आप ये मान लगा लो ये बाइक
और भागने जाता है। तो जो ऑफ रोड इस बाइक से जब करता हूँ, नेक्स्ट जब स्प्लेंडर लेके इधर यहाँ पे आता हूँ ना, तो बहुत दर्द होता है पिछवाड़े में। और एक्सपल्स लेके तो भाई कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ऑफ रोडिंग के लिए एक्सपल्स 100 में से 100 ही दूंगा। ये देख सकते हो, ये पूरा ऑफ रोडिंग है, लेकिन है मेन रूट। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी बात पे ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो सुबह को निकला, भूख भी लगा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।